अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे रियाजी सफ़ा नंबर 12, छोटे बड़े के लिए अलामतों का इस्तेमाल। अब देखिए, छोटा अदद और बड़ा अदद पहचानने के लिए हमें एक अलामत का इस्तेमाल करना होता है। वो अलामत यहाँ पर बताई हुई है और एक तरीके से ही बताया हुआ है। देखिए, नीचे दिया हुआ मगरमच्छ, मगरमच्छ का मुँह किस तरफ खुला हुआ है। जिस तरफ मगरमच्छ का मुंह खुला होता है वहाँ का अदद बड़ा होता है, और जहाँ मुंह बंद होता है वो अदद छोटा होता है। अब आइए, अब देखते हैं यहाँ पे जदोल में कौन से अदद बड़े हैं और कौन से छोटे हैं, और किस तरह से बड़े अदद और छोटे अदद को पहचाना जाता है। अददों का छोटा बड़ापन तय करो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जदोल में देखना है और छोटा अदद बड़ा अदद तय करना है। यहाँ पे आपके लिए कुछ आसान होंगे और कुछ मुश्किल होंगे, वो हम देखकर यहाँ पर बताएंगे। देखिए, जैसा कि जदोल में बताया हुआ है, अदद दिए हुए हैं और उनको छोटा बड़ा अदद पहचान कर यहाँ पर लिखना है। अब सबसे पहला जो अदद है 8 और 2, इनमें छोटा और बड़ा अदद हमें पहचानना है। ये तो बहुत आसान है, 2 छोटा अदद और 8 बड़ा अदद। अब उसके बाद जो अगले अदद है 77 और 59, इन दोनों में छोटा और बड़ा पहचानना है। अब इन दो हिंसी अदद को छोटा बड़ा किस तरह तय करते हैं, पहले ये समझ लें। अब छोटा बड़ा तय करते वक्त सबसे पहले हमें दहाई के मुकाम पर कौन सा अदद है वो देखना है। अब 77 में दहाई के मुकाम पर 7 है और 59 में दहाई के मुकाम पर 5 है। अब 7 बड़ा है या 5 बड़ा है? जी, 7 बड़ा है और 5 छोटा है, इसलिए अदद 59 छोटा हो गया और 77 बड़ा अदद हो गया। अब चलिए अगला अदद देखते हैं, 39 और 9। ये भी आसान है, 9 छोटा अदद है और 39 बड़ा अदद है। अब आइए अगला अदद देखेंगे, 14 और 35। अब यहाँ पे क्या करना है, दहाई के मुकाम पर अदद देखना है। 14 के दहाई पर 1 है और 35 के दहाई के मुकाम पर 3 है। 1 छोटा हो गया और 3 बड़ा, इसलिए 14 छोटा अदद और 35 बड़ा अदद हो गया। अब उसके बाद अगला अदद 67 और 32। अब इनके दहाई के मुकाम पर कौन सा अदद है हमें वो देखना है। अब 67 के दहाई के मुकाम पर 6 है और 32 के दहाई के मुकाम पर 3 है। अब 6 बड़ा हो गया और 3 छोटा, इसलिए 32 अदद छोटा हो गया और 67 बड़ा हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है, अलामतों का इस्तेमाल। अब छोटा अदद बड़ा अदद बताने के लिए हमें एक अलामत इस्तेमाल करना है, वो यहाँ पे अलामत दी हुई है और उसके नीचे भी मगरमच्छ के ज़रिए भी बताया हुआ है कि किस तरह छोटा और बड़ा अदद तय करेंगे। मगरमच्छ का मुँह जिस तरफ खुलेगा वो अदद बड़ा होगा, और जिस तरफ मुंह बंद होगा उसके पीछे का अदद छोटा होगा। अब यह अलामत हमें आगे हर जगह इस्तेमाल करनी होगी। अब चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ अदद दिए हुए हैं, हमें क्या करना है, इन अददों को अलामत की मदद से छोटा बड़ा जाहिर करना है। जैसा कि हमने देखा था, मगरमच्छ का मुंह जहाँ पे खुलेगा वो अदद बड़ा होगा, और जहाँ मुंह बंद होता है वो अदद छोटा होता है। तो आप क्या करेंगे, अपनी किताब में बराबर से अलामत लगाकर इन अददों को छोटा बड़ा तय करेंगे।